तो फ्रेंड्स लाइट रे टेक्स्ट एनिमेशन बनाने के लिए जो है आपको अपना काइन मास्टर ओपन कर लेना है, और यहाँ पे जो है ओपन करने के बाद प्लस वाले साइन पे क्लिक करना है और एक रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए 16:9 रेशियो सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ मीडिया ब्राउजर ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर से आपको बैकग्राउंड कलर चूज कर लेना है, ब्लैक कलर चूज कर लीजिए, और कलर का जो ये लेयर का जो लेंथ है वो लगभग 10 से 11 सेकेंड ड्यूरेशन इसका कर देना है। उसके बाद जो है फिर से लेयर की स्टार्टिंग में 0-0 सेकेंड पे जाना है, और लेयर पे जाके टेक्स्ट पे जो है आपको जाके अपना टेक्स्ट टाइप करना है। तो चलिए आपको अपने हिसाब से जो भी मन करे वो टाइप कर लीजिए। यहाँ पे मैं काइन मास्टर टाइप कर लेता हूँ, और इसके जो है टेक्स्ट का जो है साइज़ को जूम कर देना है, थोड़ा सा बड़ा कर देना है किनारे से जो खींच के है। उसके बाद इसका फॉन्ट चेंज कर देना है, आप अपने हिसाब से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारा फॉन्ट आपको मिल जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पे टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे ही जो है जाना है, और टेक्स्ट का जो है कैरेक्टर का जो है लेटर का आपस में जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा आप स्पेस बढ़ा सकते हैं कैरेक्टर वाले ऑप्शन को बढ़ाकर, इस तरह से इसको कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे काइन मास्टर का जो देखिए लेयर का लेंथ कम है, तो इसको फुल बैकग्राउंड के लेंथ इतना कर देना है। उसके बाद जो है फिर से हम लोग अब जाएंगे लेयर पे, अब इस पर इफेक्ट लगाना है, तो इफेक्ट पे जाना है लेयर पे जाके। उसके बाद यहाँ पे आपको एक इफेक्ट डाउनलोड करना होगा, तो आपको ब्लर वाले सेक्शन पे मिल जाएगा। ब्लर वाले सेक्शन पे आपको स्पाइरल ब्लर इसको डाउनलोड कर लेना है, इस इफेक्ट को, इसी इफेक्ट से सारा काम होगा, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। उसके बाद देखिए स्पाइरल ब्लर को सेलेक्ट करेंगे, तो सेलेक्ट करने के बाद जो है अब इस पर थोड़ा सा कुछ सेटिंग वगैरह करना होगा। तो स्पाइरल ब्लर का जो है लेयर आया गया है नीचे टाइमलाइन में, तो उस पर क्लिक करने के बाद राइट साइड में बहुत सारा सेटिंग का ऑप्शन आता है, तो सेटिंग पे जाना है, और यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है आपको लगभग 11 कर देना है, जो मैं सेटिंग कर रहा हूँ वही आप कर दीजिएगा, तो आपका वो सारा इफेक्ट जो है आ जाएगा। रेडियस को जो है आपको 4 कर देना है, 4 रखना है, और सेंटर एक्स जो है सेंटर एक्स को आप 50 से कम कर देना है, 50 से कम कर दीजिए, 48 कर दीजिए। सेंटर वाई को भी 50 से कम रखना है, उसके बाद जो है एक्स यहाँ पे से आप चेंजिंग करके अपने हिसाब से भी आप इफेक्ट बना सकते हैं। क्वालिटी को 10 कर देना है, और इनेबल जूम आउट को 0 कर देना है, तो इस तरह से है। उसके बाद फिर से यहाँ अल्फा ओपेसिटी का जो है यहाँ इफेक्ट का ओपेसिटी 52 रखना है, और स्पाइरल ब्लर का जो इफेक्ट है पूरे स्क्रीन पे एकदम जूम कर देना है, और इफेक्ट का भी जो है लेयर का जो अभी छोटा सा है तो इसको पूरे बैकग्राउंड में लगा देना है, पूरे लेयर में लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग अब की एनिमेशन लगाएंगे, थोड़ा सा इस पे ध्यान देने वाला बात है कि लेफ्ट साइड में जो की का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद धीरे धीरे जो है आगे की तरफ जो है लेयर को भी बढ़ाएंगे, और ऊपर में जो स्क्रीन के ऊपर काइन मास्टर के ऊपर फ्रेम लगा हुआ है, इफेक्ट जो लगा हुआ है उसको भी थोड़ा थोड़ा मूव करेंगे, तभी जो है लाइट इफेक्ट आएगा। तो इसको थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, इस तरह से धीरे धीरे बढ़ा बढ़ा के करते जाना है, और वहाँ से ऊपर में भी जो है फ्रेम को भी थोड़ा इधर उधर मूव करना है, जैसे अब मूव करेंगे उसी तरह से इफेक्ट आपका बनेगा। तो इस तरह को थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, आप ट्राई करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। तो इस तरह से करते जाना है ना, बढ़िया से कर देना है, आगे पीछे करते जाना है, और इस तरह से जो है की एनिमेशन लगाना है। तो की एनिमेशन मेन है इसमें, जैसा आप जो है जिस तरह से मूव करेंगे फ्रेम को और जिस तरह से आगे पीछे करेंगे उस तरह से जो है ये इफेक्ट लगेगा, लाइट इफेक्ट है ना, लाइट रे इफेक्ट। तो इस तरह से अभी लग गया है, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग प्ले करके देख सकते हैं कि काइन मास्टर टेक्स्ट पे लाइट रे इफेक्ट लग गया है। अब यहाँ पे हम लोग को है कलर इस पे थोड़ा सा लगाना है, आप जो कलर चाहते हैं वो कलर इसमें लगा सकते हैं। तब यहाँ पे जो है लेयर पे जाना है, लेयर पे जाके मीडिया पे जाना है, और मीडिया पे जाने के बाद बैकग्राउंड कलर जो है यहाँ पे चूज कर लेना है, तो कोई भी एक आप सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ देखिए सॉलिड कलर है, अब इसका कलर चेंज करने के लिए ऊपर में जो है ऑप्शन है, अब यहाँ पे चलिए ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसको जो है ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर आपको ओवरले रखना है, और ओपेसिटी को जो है आपको 100 से आपको कम कर देना है, 100 से कम करके इसको लगभग 75 के आसपास, 75 के आसपास इसको रख देना है। उसके बाद जो है इस सॉलिड कलर का भी जो लेयर है वो फुल कर देना है और पूरे स्क्रीन पे लगा देना है। तो इस तरह से देखिए जो है लाइट रे इफेक्ट पूरे वीडियो में लग गया है, और इस तरह से ये वीडियो आपका रेडी हो जाता है। तो इस तरह से आपको भी करना है, और इसको जो है आपको एक्सपोर्ट करके सेव कर लेना है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।